तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का सबसे पहला काम है अपने घर के छत में अपने देश की शान तिरंगे को फहराना। तो पहला काम तो मेरा हो गया है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला। तो अब दूसरा काम है बगेरा में भी हमारे देश के झंडे को फहराने का। तो वो देखिए, चाचा ताऊजी और दादा लोग जाने लग गए हैं हमारे गांव के जूनियर स्कूल में। बाकी आज मेरा प्लान है हमारे गांव के राजकीय इंटर कॉलेज में जाने का। तो फटाफट से एक बार बगेरा में झंडा फहराते हैं, झंडा बांधने का काम करते हैं, फिर निकलते हैं। बहुत कोशिश की आगे साइड बांधने की, मगर ऐसी जगह मिल नहीं पा रही थी जहाँ पे हमारा जो फ्लैग है वो सीधा रह पाए। ना ये सीधा हो पा रहा था और ना ही अच्छे से अटक पा रहा था। तो फाइनली मैंने यहाँ पे बांध दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से, बाकी यहाँ पर के बच्चों की ना प्रभात फेरी की तैयारी हो गई है। तो ये है हमारे गाँव का राजकीय इंटर कॉलेज और यहाँ प्रभात फेरी की होने लग गई है तैयारी।
मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। ए दुष्ट, तूने छल किया है, तेरा विनाश होगा। दानू जी, ग्राम प्रहरी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं, आप भी मंच पर आए। जल्दी आज बात होना मुड़ा हरा हरा
ओके जी, तो फिलहाल अभी बजे हैं शाम के 4:15 और पहले मैं फूली गया था स्कूल में, फिर उसके बाद वहाँ से मैं बिरथी चले गया था बच्चों के प्रोग्राम देखने के लिए। तो बच्चों के ना बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने को मिले, थोड़ा बहुत मैं लाइव आ गया था, थोड़ा बहुत मैंने ब्लॉग बना लिया था। तो वहाँ ना थोड़ा बहुत सर दर्द जैसा होने लग गया था क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो शायद भूख की वजह से गैस टाइप की हो गई थी, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।